नमस्कार, एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कवरअप कर लिया है। आज हम सेशन ज़्यादा नहीं लंबा रखेंगे, लेकिन कुछ थ्योरी पार्ट को जरूर पूरा करेंगे। और एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया उसे? उस पर भी हम लोग आज थोड़ा कैसे काम करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे, ताकि सैटरडे के दिन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें बिना देर किए। तो उसके बाद फिर रिलैक्स रहेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी जो जो हमने किया है एक रफली मैनर में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। पहली चीज़ कि मैंने आपको ट्रेडिशनल नेटवर्क, आप लोग आए थे उसके बारे में हमने बात किया, जिसमें कॉपर वायर एक अहम रोल था। बाद में हमारे जो स्विच रूम थे वो मॉडिफिकेशन में हुए, और सन 2005-06 में इंटरनेट की पूरी व्यवस्था की गई। उसके बाद हम लोगों ने नया नेटवर्क लगाया, राउटर्स के नेटवर्क लगाए। ठीक है, राउटर्स में हमने थोड़ा डिस्कस किया कि लैन क्या होता है, मैन क्या होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ अगर लग रहा है कि छूट गई है तो मुझे जरूर याद दिलाइए। ठीक है, तो राउटर्स के प्रयोग के तीन तरह के राउटर्स थे, कोर राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर और कस्टमर एज राउटर। आज का जो पूरा नेटवर्क है हमारे इन्हीं तीनों राउटर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई जो चीज़ थी एक आईपी एड्रेस, उसके ऊपर भी हम लोगों ने काम कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं जो अगला रिक्वायरमेंट है, रूल रेगुलेशन और कुछ वसाई लेयर होती हैं, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और एक वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा सर्वर विजिट का, ठीक है ना, और उसको हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। और उस पर सिक्योरिटी कैसे की जाती है इसका भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए गूगल बाबा किताबें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पीपीटी की मदद से जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा नेटवर्क है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। ये हमारा जो कोर नेटवर्क है ये मेस टोपोलॉजी से जुड़ी गई। उसके बाद जो दूसरा है, जो भी कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल में रखेगी। पीपीपी मॉडल हो सकता है, बट फाइनली जो नेशनल लाइन होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास ही रखेगी। दूसरा जो राउटर हमने यूज़ किया था जो कम एफिशिएंसी का था, ये आईएसपी के पास होता है, इसको हम लोग प्रोवाइडर एज राउटर भी कहते हैं। तीसरा जो राउटर है हमारा कस्टमर एज राउटर, जो आपके कॉलेज कैंपस में या नियर बाई स्टेशन में लगा होगा, घर तक हम लोग फाइबर के माध्यम से भी जोड़ते हैं। अगर आपके कॉलेज कैंपस में लगाया जाएगा तो इस राउटर से हम लोग स्विच लगाएंगे, और स्विच से दूसरा स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्विच से यहाँ से हम लोग टावर भी लगा सकते हैं। रिलायंस जियो कम्प्लीटली सेम नेटवर्क में टावर लगा के आपको मोबाइल से जोड़ रखता है। ठीक है, तो ये आज का नेटवर्क है। और लैन मैन कैन, इसके बारे में हमने बात किया था, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, कंफर्म प्लीज। क्या हम लोगों ने लाइन, ओके ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया होगा कि राउटर का आज के ज़माने में सिर्फ दो टोपोलॉजी होती है नेटवर्क की। एक कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूर तक जाएगा वो सारे के सारे उसी लाइन के अंदर होंगे, और दो अलग राउटर का पोर्ट बदलते ही ये दूसरा पोर्ट हो गया। अगर मैं दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे लगा दूँ तो ये अलग लाइन कहलाएगा, एक अलग लाइन कहलाएगा, अलग लाइन कहलाएगा। राउटर का पोर्ट बदलते ही लाइन डिफरेंट हो जाएगा, और दो डिफरेंट लाइन आपस में क्या कहलाते हैं, आपस में वैन कहलाते हैं। तो अब ये जो जियोग्राफिकली जो हमारा डिफरेंस था वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है ना, तो इसमें ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुका है, इसमें बात कर चुके हैं। अब हम आगे का जो पोर्शन है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि कम्युनिकेशन करने में, अभी तक क्या था कि जब हम लोग एक दूसरे को टेलीफोन नंबर डायल करते हैं तो सामने वाले की आवाज़ सुन के आप समझ जाते हो कि आपने सही पर्सन को नंबर डायल किया है। सही पर्सन मतलब मैं अगर आपको नंबर मिलाऊं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने जिसको नंबर मिलाया वो राइट पर्सन है। अब कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया डाटा कम्युनिकेशन में। अब लोगों को आप जैसे ईमेल भेजते हो, व्हाट्सएप भेजते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट कर रहे हो नए तरीके से। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जिसको भेजा है उसी ने रिसीव किया, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को मेंटेन करने के लिए दुनिया ने, एक आईटीयू ने एक रूल रेगुलेशन बनाया, नियम बनाए, जिसको हम लोग टीसीपी आईपी कहते हैं। अभी अलग अलग नियम बनाए थे, अभी जो रूल बनाया उसको हम लोग टीसीपी आईपी कहते हैं। तो मैं इसको लिख भी दूँ ताकि आप लोग ध्यान रहे। तो
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो मुझे ये अगर क्लियर नहीं है तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरनेट करने के लिए रास्ता आपको दिख गया, आप तो अभी स्क्रीन पे हम लोग देख रहे थे रास्ता दिख गया, लेकिन अगर इंटरनेट करना है तो हमें नियम बनाना पड़ेगा, यानी रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, या कुछ लोग प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, लिखिए प्रोटोकॉल, ठीक है, ये कोई भी नाम हो सकता है। आप ये समझो कि अगर मुझे कम्युनिकेट करना तो नियम बनाना है, ठीक है, और जिस नियम को बनाएगा उससे हम लोग बोलते हैं TCP/IP। अभी जो नियम यूज हो रहे हैं TCP/IP, इंटरनेट पूरी दुनिया में इंटरनेट करने का जो नियम है उसको हम लोग TCP/IP कहते हैं। आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए, एनीवन अनम्यूट प्लीज, कौन होगा जिसकी आवाज रिकॉर्डिंग अच्छी हो वो ज्यादा अच्छा करे तो हो यस सर। आपके है। ओके मनु, आप मुझे बताओ, आपने एक नोकिया पे फोन खरीदा, नया नया मोबाइल फोन खरीदा, और फोन खरीदने के बाद सबसे पहले आपने सिम भी डाल लिया, टेस्टिंग भी कर ली, तो एज ए इंडियन आप उसके बाद क्या करोगे? जब कोई नया फोन होगा तो आपका पहला एम क्या होता है, फोन से क्या करना है, सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी की मेहनत से? पासवर्ड लगाएंगे आप अपना बगल में और भी कोई आपके साथ है उसका स्पीकर बंद कर, माइक बंद कर दीजिए, ये आवाज भी सर। नहीं आप आपका ही है। आ रही है, कोई और अनम्यूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा, आप बंद कर दो, नहीं, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छी नहीं आ रही। और कोई साथ में है जो अलग है? किबोर, हेलो। हाँ आपकी आवाज ठीक आ रही यस सर। है। शशांक, शशांक मुझे बताओ, जैसे अभी मैंने सवाल पूछा कि अगर आप नोकिया फोन खरीदते हो तो सबसे पहले एज ए इंडियन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला काम क्या करोगे? तो सबसे पहले उसे पासवर्ड लगाते हैं पासवर्ड सॉफ्टवेयर मैनर में होगा, उसके पहले क्या करोगे फिजिकल मैनर में? सर। ऑन करते हैं फोन को फोन में कुछ सबसे खरोच नहीं लगे तो क्या करोगे? टूटे पहले। क्या यस करोगे? सर सर। वो पहले आप गार्ड वन बाय वन चलोगे ना सब, स्क्रीन गार्ड लगाते आप हैं। स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो या फ्लिप कवर लगा सकते हो, क्योंकि पहले फिजिकल, हमारे हर इंडियन की हैबिट है, ठीक है ना। आपने फोन खरीदा नोकिया का, और मान लीजिए आपने स्क्रीन गार्ड एप्पल का लगा दिया, बैक कवर एप्पल का लगा दिया, तो क्या आपका फोन एप्पल का हो जाएगा या नोकिया का रहेगा? नोकिया कह रहेगा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको मालूम है कि कवर पे कुछ भी लगाओ अल्टीमेटली फोन इज द नोकिया, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। दुनिया के लिए जब इंटरनेट की सुरक्षा की बात की गई थी, ठीक है ना, तो इंटरनेट की जब सुरक्षा की बात की गई तो रूल हमने बनाया TCP/IP, ये पहले चार लेयर में बनाएगा, सारे लेयर को बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा आपको, पहले जब चार लेयर, बाद में जब स्टैंडर्डाइजेशन किया गया तो पांच लेयर में मान्यता दी गई कि पांच लेयर का TCP/IP लेयर होगा, ठीक है, ये नियम बनाया गया। तो एक तरह से नोकिया फोन खरीदा आप, उसके बाद जब इंटरनेट चलने लगा, पहले इंटरनेट में हम लोग एक दूसरे को बात करते थे ज्यादा किसी में, लेकिन समय बदला, अब हम लोग इंटरनेट का यूज अपने जीवन के हर इम्पोर्टेंट काम के लिए करते हैं, बैंकिंग सेवाओं के लिए भी करते हैं, आपका डाटा, तो सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। तो मैं इसी नियम में अगर मैं सिक्योरिटी ऐड कर दूं, ठीक है, और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ऐड करता चला जाऊं, तो ये जो नियम है सिक्योरिटी, जस्ट लाइक जैसे कि मैंने पूछा नोकिया फोन पे कवर कुछ भी लगाओ, सिक्योरिटी के लगा रहे हो ना, हार्डवेयर में भी लगाया, बाद में पासवर्ड के लिए आपने पासवर्ड भी प्रोटेक्ट किया सॉफ्टवेयर मैनर में, ठीक है। तो उसी तरह से TCP/IP दुनिया का इंटरनेट करने का नियम बनाया गया, उसके बाद जो कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं आज की डेट में और आगे भी करते रहेंगे सब सिक्योरिटी कंसर्न हो, तो हम जैसे सिक्योरिटी कंसर्न करेंगे तब इसका नाम बदलकर OSI रेफरेंस मॉडल हो गया। OSI रेफरेंस मॉडल कोई नियम नहीं है या एक प्रोटोकॉल है, तो फिर ये रेफरेंस मॉडल है, OSI नॉट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC में पूछा जाता है, लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन है? ऑप्शन ए दे दिया TCP/IP, TCP/IP और ऑप्शन डी दे दिया, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहे, यहाँ पे ये UPSC का क्वेश्चन है और बहुत ही क्लियर कि इसमें से कौन सा लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, TCP ऑप्शन ए, दूसरा IP, तीसरा आपका TCP/IP और चौथा आपका है DOSI, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो कभी भी आप TCP/IP को नहीं लगाओगे, सॉरी TCP/IP को लगाओ, OSI को नहीं, OSI लोग झटके में लगा देते हैं, OSI कोई प्रोटोकॉल नहीं है, नोकिया फोन नोकिया ही रहेगा या कितना भी कवर लगा दो, तो इंटरनेट करने का जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है TCP/IP है, ऑटोमेटिक गेटिंग पॉइंट सिक्योरिटी, और इसमें हम सुरक्षा की कवर ऐड करते करते जो OSI लेयर बन गया, ISO ने इसको डिफाइन किया,
या आपके बुक्स के हिसाब से 7 लेयर की है, 7 लेयर की है, ठीक है ना। और हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो इसकी संख्या बढ़ के 10.5 लेयर हो चुकी है, जो आप जल्दी ही आप समझ जाओगे आने वाले जब फील्ड में काम करने लगोगे। और उम्मीद है कि अगर ISO ने ITU ने रिकमेंड कर दिया तो किताबों में ये डेटा भी अपडेट हो जाएगा। फिलहाल अभी हम बुक्स के हिसाब से 7 लेयर की बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इंटरनेट करने का रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल TCP/IP है। इंटरनेट पूरी दुनिया जो जिस रिफरेंस मॉडल पे काम कर रही है वो आपका OSI रिफरेंस मॉडल है, ठीक है। तो दोनों सवाल में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग रिफरेंस मॉडल के ऊपर काम करते हैं। सिक्योरिटी हम फोन हम कवर लगा दिए, सब लगा दिए, लेकिन फोन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब 7 लेयर कौन से हैं आपकी हो सकती हैं? प्लीज डू नॉट थ्रो पास पिज्जा अवे, ये आप अलग अलग नाम से याद कर सकते हो। पी का मतलब है फिजिकल, दिस इज द लेयर नंबर 1। इसी तरह से आपका डी है डेटा, दिस इज द लेयर नंबर 2। ये सब आप जानते हैं और आज मेरे इस सेशन के बाद आपको याद भी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। दिस इज द लेयर नंबर 3, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर आपका सेशन हो गया, आपका प्रेजेंटेशन हो गया, और लास्ट में आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। ये 7 लेयर हैं OSI के रिफरेंस मॉडल के, क्योंकि इंटरनेट हमारा पूरा प्रोटोकॉल तो हमारा TCP/IP है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ सारे रिफरेंस मॉडल को हम लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें हो सकता है कुछ लेयर यूज हो रही हो, कुछ नहीं हो रही, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज लेयर नंबर 4, दिस इज द लेयर नंबर 5, दिस इज द लेयर नंबर 7, एंड दिस इज द लेयर नंबर 6, एंड फाइनली 7 लेयर है, 7 लेयर हो गए, ठीक है ना। अब इस लेयर को किताबों में पढ़ोगे तो हो सकता है कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया जाता जो आसान नहीं होता। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से। पहले सभी लोग चैट में जरूर बताएं ताकि आपका अटेंडेंस हो जाए। आप सब मुझे बताएं, दुनिया में कितनी वेबसाइटें होंगी, जो कौन कौन सी वेबसाइटें जो सबसे ज़्यादा सिक्योर वेबसाइटें होंगी? यस, कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो सिक्योर हैं, हाँ या ना? फेसबुक या जस्ट लाइक दिस? अच्छा चलो मैं सिंपल, क्या फेसबुक सिक्योर है, हाँ या ना? आंसर बताइए, क्या फेसबुक सिक्योर है, हाँ या ना? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर बताइए। कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है पार्शियली यस, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, अच्छा आप अनम्यूट हो जाओ फिर से। शशांक आप थे ना अनम्यूट, अनम्यूट हो जाएगा फिर से। यस सर, आप ये बताओ आपकी नज़र में, चलो फेसबुक की बात होगी, जीमेल की बात होगी, दुनिया में कौन ऐसी वेबसाइटें होंगी आपके हिसाब से, बाकी लोगों के हिसाब से भी, कि जो सबसे ज्यादा जिस पे सिक्योरिटी दी गई होगी? सर जो मिलिट्री वेबसाइट्स होती हैं, मतलब हाँ जैसे सर, जैसे पेंटागन सर US का सिक्योरिटी है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो वेबसाइट होंगी सो सबसे सिक्योर मानी जा सकती है। सर के लिए आपसे बताओ इतना हाई फाई सर, आम आदमी के हिसाब से बैंक की वेबसाइट्स? वेरी नाइस, इतना इजी रहोगे ना, आपको भी समझ में आएगा, बाकी को भी समझ में आएगा, हम जो समझना चाहते हो भी आएंगे। नो डाउट जो बैंकिंग साइट है वो मिनिमम सिक्योरिटी, सॉरी मैक्सिमम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी एक आम पर्सन के लिए। जो देश की नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड साइटें होंगी वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको नेट बैंकिंग आती है प्रशांत? यस सर। अब मैं यहाँ पे आपकी जो नेट बैंकिंग आती है उसी का मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। और अब आप यहाँ पे मान लीजिए आपके स्क्रीन पे ये मैंने 7 लेयर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये 7 लेयर आपके सामने हैं, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे PPT में शो हुआ है, ठीक है। अब हम इन सारे लेयरों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं और ये इंश्योर है कि जो वेबसाइटें सबसे ज़्यादा सिक्योर होंगी उनमें इन 7 लेयर को समझना आसान होगा, ठीक है।
ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, राइट, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका एक किसी बैंक में अकाउंट है, ये उसका सर्वर है बैंक कंप्यूटर का, ठीक है ना। मान लीजिए आपका SBI में अकाउंट है, ठीक है। अब वन बाय वन समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने इस कंप्यूटर से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको नेट बैंकिंग करना है तो पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो कंप्यूटर को से नेट से कनेक्ट होना चाहिए। नेट से कनेक्टेड है, सब कुछ है, रेडी है। यस सर। अब आप करने जा रहे हैं सीधा नेट बैंकिंग, तो पहला काम क्या करेंगे? साइट तो सब साइट ओपन करेंगे सर, कहाँ पे ओपन करोगे? ब्राउजर क्रोम पे, नेट पे, इंटरनेट। पे, पहला यस स्टेप, पहला स्टेप पे होगा। ये तो नहीं होगा ना कि अपने कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कर दोगे, रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दोगे, इन सब पे तो नहीं क्लिक करोगे ना। आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर ब्राउजर। ब्राउजर होगा, ब्राउजर क्रोम का भी हो सकता है, मोजिला का भी हो सकता है। तो पहला, सबसे पहला काम करोगे आप एक ब्राउजर पे क्लिक करोगे, और ये जो ब्राउजर है आपका एप्लीकेशन, जैसे ब्राउजर, क्लियर होगी मेरी, ब्राउजर, ठीक है ना। तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, जब ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगला काम क्या करोगे? सर उसके बाद बैंक की साइट डालेंगे सर, जैसे बिल्कुल एसबीआई। बिल्कुल, बहुत अच्छे चल रहे हो। फिर उस पर आप उसमें यूआरएल डालोगे, जैसे एंट्री करोगे यूआरएल का, तो मेरा कंप्यूटर इस रास्ते से जाएगा, जो रास्ता है दुनिया भर में, जो भी रास्ता घूमते फिरते यहाँ पे आपके इस सर्वर पे आएगा, और इस सर्वर ने जो पब्लिकली जो वेब पेज ओपन करने के लिए अलाउ किया होगा, उस वेब पेज को उठाएगा, उठाते हुए लाके आपके स्क्रीन पे ओपन कर देगा। तो जो वेब पेज खुला वो भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। दो काम हो गए, एक तो आपने ब्राउजर, वो भी एक एप्लीकेशन, जो पेज खुला, ये दोनों कंबाइंड हो गया। अब इसके बाद अगला काम क्या करोगे? सर साइट पे सर इंटरनेट बैंकिंग से सेलेक्ट करेंगे। बैंकिंग पे आ गए, यस आप लॉग इन करोगे, कोई सर, लॉग इन करेंगे। भी खोल लो, अब जीमेल भी खोल लो, फेसबुक कर लो, सबका तरीका एक ही है, ठीक है ना। सर तो आप लॉग इन बटन पे दबाओगे, तो अब आपका जो पेज खुलेगा, जो पेज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यूजर नेम पासवर्ड हर एक कस्टमर का, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, हर एक कस्टमर का यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, वो भी एक एप्लीकेशन है, बट दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया कि हर एक आदमी को अलग अपना यूजर नेम पासवर्ड डाले, जो भी खुलेगा वो पेज भी आपका सेपरेट हो लगा, नो, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है, अगर ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग आप ना करें, ठीक है ना, अगर आप ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करेंगे तो फिर क्या होगा आपका? सर, सेशन टाइम्ड आउट हो जाता है सर, उसपे लिख किया सेशन जाता टाइम है। आउट हो जाता है, लेकिन क्या आपके जीमेल फेसबुक पे सेशन टाइम आउट होता है, हाँ या ना? सर उसपे नहीं होता। नहीं होता। इसका मतलब है कि आपके जीमेल है, फेसबुक है, या और भी जो साइटें हैं, उस सब पे ये चीज मिसिंग है, ये लेयर मिसिंग है, फेसबुक लेयर में। अब आप समझो, आप लोग सिक्योरिटी को किस मायने से देखते हो? सिक्योरिटी टेक्निकली आप देखोगे तो आपको यह रियलाइज होगा कि देखो, कुछ साइटें ऐसी हो सकती है केवल मेन पेज ओपन हो जाए, कुछ साइटें होती हैं आगे अगर इंटरनल, क्योंकि पहले जब शुरुआत में इंटरनेट शुरू हुआ था किसी को चिंता नहीं थी, सब लोग केवल कम्युनिकेट करते थे, सीधा खोला साइट और सब काम हो गया। लेकिन समय गुजरा, सबकी सिक्योरिटी, सबकी प्राइवेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाला गया, लेकिन उसके बाद भी परेशानी आई, क्योंकि लोगों ने पासवर्ड चोरी करने लगे, हैकिंग करने लगे, आप देख रहे हैं आजकल। तो इसमें और भी लेयरें ऐड हो गई हैं जो अभी आपको मालूम नहीं है, ना ही आपके बुक में दिया गया है। जब मैं 10.5 लेयर की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक लेयर ऐड है, तो उनके भी तरीके बनाए गए, ओटीपी के द्वारा, दो बार गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टी सेशन अलाउ नहीं करना, ये सब पार्ट है, लेकिन दीज ऑल आर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इज द सेशन। सेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सेशन। कुछ जो साइटें, यानी कुछ साइटें हो सकती है जिसमें केवल एक लेयर से काम हो जाए, कुछ साइटें जिसमें दोनों काम करें, कुछ साइटें होंगी जिसमें तीनों, और ये जो तीनों काम हुआ इस डायरेक्टली यूजर ने अपने कंप्यूटर पे किया, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, और ये पूरा का पूरा प्योरली काम सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आप सभी को मेरा पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। अब नेक्स्ट लेवल, अगर आप इंटरनेट कर रहे हो, आपके कंप्यूटर से डाटा निकलेगा कैसे? बहुत ही आज की क्लियर, यहां से कैसे निकलेगा कंप्यूटर से? लैन कार्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ टावर, ये वो रास्ता है जहां से आपके कंप्यूटर से कोई डाटा निकलेगा और मूवमेंट होगा, ठीक है ना। ये आपको कहलाएगा लेयर वन, फिजिकल लेयर, डाटा कैसे निकल रहा है, ठीक है। निकल के कहाँ चला गया? नियर बाई स्विच में, टावर भी आजकल का जो भी जुड़ा है जियो का, वो भी स्विच में, स्विच का आपके घर में भी जो लैंड लाइन है सब कहाँ जा रहे थे? स्विच में जा रहे थे। स्विच क्या कहलाएगा? डेटा लिंक। ये क्या करता है? लोकल में जितने लोग होते हैं
उस सबको इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद एक्सचेंज से भी बाहर जाना है, आएगा राउटर, दिस इज द नेटवर्क लेयर। एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, घूमते फिरते जो भी व्यवस्था की गई है, दूसरे एंड पे फिर रिटर्न बैक होगा, फिर एंट्री हो जाएगा। ये जो तीनों लेयर हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ट्रांसमिशन लेयर। और ये हार्डवेयर होता है पूरी तरह से, कहीं कहीं वायरलेस होगा, अदरवाइज ये पूरी तरह से फिजिकल मोड में होता है। ठीक है, तो ये आपका जो एसआई लेयर, अगर आप मोटे मोटे तौर पे बात करें, तीन पार्ट में बच गया। पहला पार्ट यूजर सपोर्ट लेयर, जो प्योरली सॉफ्टवेयर हो गया। नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ये प्योरली आपका फिजिकल मोड में, फिजिकल मोड में वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वो अलग, कैसे भेज रहे हैं बीच में वो अलग में। अब बच गया जो बीच वाला लेयर है, ये कौन सा होगा, जरा सोच के आप लोग बताएंगे, सोच के बताइए, आपको टाइम दे रहा हूँ जरा सा। हेलो, आप में इसमें आप में से ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कोई, किसी को कुछ थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं? यस शशांक, बताओ क्या हो सकता है? टाटा ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट लेयर, टेक्निकली आंसर है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, आप एक बार अनम्यूट हो जाइए। मैं शशांक ये बताइए, अगर मैं आपको ईमेल भेजूं, आप यस ईमेल सर, कहाँ देखोगे? सर ईमेल से जीमेल पे देखेंगे। अपने ईमेल अकाउंट पे देखोगे ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको ईमेल भेजा और आपने फोन का हैंडसेट उठाया और कान में लगा दिया, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक नो सर, है ना? उसी भाई सीधी सी बात है। इसमें अगर देखिए, मैं यहाँ से कोई डाटा भेज रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वेबसाइट, पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल। किस चीज का मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ? मैं किस चीज का मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ? दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा? दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, ये दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली पोर्ट नंबर होता है। जैसे ही मेरा यहाँ डाटा निकलता है, इसमें सभी का पोर्ट नंबर डिफाइंड है। इसमें ना 443 हो गया, आपका 80 हो गया, और 8080 सारे पोर्ट नंबर प्री डिफाइंड है। जैसे निकलता है तो हमारा कंप्यूटर में ऑलरेडी आप प्रोग्रामिंग करके रखा होता है कि मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, तुरंत उसको फिर वो भेजता दूसरे इन पे, फिर उसी से खुल जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आईएसओ ने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। और जो लोग कंप्यूटर साइंस के, जब वेबसाइट लॉन्च करते हैं, तो पोर्ट नंबर बताना पड़ता है उनको कि कौन से पोर्ट पे लॉन्च कर रहे हो। वेबसाइट होता है 8080 पे, ईमेल भेजता हूँ उसका पोर्ट अलग होता है, एफटीपी भेजता हूँ उसका पोर्ट अलग होता है, साउंड का पोर्ट अलग होता है। तो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता हूँ, सारे के सारे इस पे डिफाइंड होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा लेयर है, अब इसमें बात होती है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कहाँ पे नहीं है, हर लेयर पे साइबर सिक्योरिटी है। आपका अप्लीकेशन लेयर पे सिक्योरिटी है, प्रेजेंटेशन लेयर पे सिक्योरिटी है, सेशन लेयर पे सिक्योरिटी है, हर लेयर पे सिक्योरिटी, हर लेयर पे इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन, सिक्योरिटी के जितने भी पॉसिबल स्वरूप हैं, वो सारे के सारे इस पे किए जाते हैं, हर लेयर पे। ठीक है, अब जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, कोई कंप्यूटर साइंस का होगा, कोई आईटी का होगा, उनके लिए भी बड़ा आसान है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो डेफिनेटली आप 4 साल नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ट्रांसमिशन से जुड़े होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े होते हैं, तो आप इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, इस फील्ड के बारे में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का है तो इस फील्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आईटी वाले का थोड़ी सी नेटवर्क की जानकारी दी जाती है, थोड़ी सी, तो आईटी वाला ये। इसलिए हर, और सबसे बड़ी बात, साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। आजकल जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि इसकी जानकारी, क्योंकि जो आईटी स्टूडेंट हैं या आईटी फील्ड के लोग हैं, सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन वो नेटवर्क की जानकारी उनके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होने की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है ना? तो आपका सारे लेयर की सिक्योरिटी किस लेयर पे की जाती है, आपको समझ में आ गई? यानी कोई डाउट, यानी कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो पहले पूछे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
किसी के मन में कोई क्वेश्चन या नहीं? हो गया पोर्ट नंबर, बिल्कुल ठीक है, नो क्वेश्चन, ओके। अभी इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, आप उसे पहले देखिए। ये एक मात्र असाइनमेंट है जो आप लोगों को जमा करना है, ठीक है। आप आराम से सैटरडे तक जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पहले इसको देखिए, इसी का हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर इसके दौरान जो जो सॉफ्टवेयर पार्ट आता रहेगा मैं बताता भी रहूँगा, प्रैक्टिकली हम लोग करते भी रहेंगे। वो दिखाता हूँ आपको और अलग से भी शेयर कर दूंगा, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो। लैंड सर्वर की विजिट जो आपको मैं लास्ट में मैंने दिखाया था ना कि आप लोग लैब देख लीजिए, जब मैं विजिट दिखाऊंगा तो फिर हम बात करेंगे। ये लैंड सर्वर की विजिट ध्यान से सुनिए, डायग्राम में जैसे एलटीसी है, एलटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल एमटीटी गाजियाबाद से 100 एमबीपीएस का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 एमबीपीएस स्पीड दे सकता। ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, जो यहाँ पर एलटीसी हमारे सर्वर रूम है, जो हम देखेंगे इसमें, ये हमारा जीएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 एमबीपीएस की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूंकि ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे कैट 6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 एमबीपीएस में अकेले ही करूँगा, लेकिन मुझे 100 एमबीपीएस अब कैंपस के अंदर जितने भी इम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पर मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा, अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेटवे स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और देखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हूँ, भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, तो इस ये मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल ए सर्वर, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 MBPS से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑथोराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला आईपी एड्रेस से या फला आईएमआई नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग अगमस जाए। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैंड केबल्स हैं, इस लैंड केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 एमबीपीएस का स्पीड देगा, दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता, तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज़ किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में, यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। देवी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी, वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया, तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लैन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टू डे सिनेरियो। आज
में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पर दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया तो फिर वाइन क्या लाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे, रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं ये कस्टमाइज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 28 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे NTTC के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया, 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते तो हमें सॉफ्ट केबल यूज़ किए, ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है जिसमें से हमने 4 फाइबर एक किए ट्रांस रिसीव ट्रांस रिसीव, और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर, तो जिस पोर्ट में लगाएंगे और ये यहाँ पे जो लगा LC लगा हुआ रिसेंट वाला ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है, तो ट्रांस रिसीव ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर इसी पेयर के अंदर इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं और दो आ गए और दो यहाँ पे हमने लगा दिए। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, दो इनकमिंग हो गया दो आउटगोइंग भी हो गई, एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके या दोनों पेयर को हम चाहें तो एक साथ भी यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के, ये हमारा एंड हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है, तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच भी ले जाना पड़ेगा, ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है अब डायरेक्ट हमने स्विच पे नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम बीच में प्रॉक्सी सर्वर, तो ये हमारा जो कंप्यूटर है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी उसका किया हुआ, इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेस किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं TCS सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लैन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर दो लैन कार्ड यूज कर सकते हैं, सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लैन केबल आ गया हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड, अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊँ, क्योंकि स्विच में अगर कोई VLAN कॉन्सेप्ट नहीं है, VLAN हमने नहीं बनाया है तो आप कहीं भी प्रोग्राम लगा दीजिए देर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसके हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया, तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर, तो मोर देन 90 मीटर है इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, तो ये हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है, मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आते, सारा जो भी है घूम फिर यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा, तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट, ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं इनके डिजाइन मिल जाइए, ये आपका नया है थोड़ा पुराना है लेकिन आल आर का सेम सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं, तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है सर्वर के अंदर इनबिल्ट है, तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, हमारा ये जो बीच वाला PC है हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है, ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा जो लोग काम करते हैं।
ऐसा आप करेंगे, ये जो वीडियो है इसको भी मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया, अलग से भी शेयर किया, रिकॉर्डिंग के साथ भी रहेगा, तो इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम इसका पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इस पर कैसे कैसे सिक्योरिटी की जाती है उसका भी हम लोग सिमुलेटर के ऊपर करेंगे। तो हमने वो चीज़ें आपको भेज रखी है, और अभी कोई सवाल या कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो सैटरडे के दिन हम लोग आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बैठें और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वन बाई वन, और एक बार इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद फिर तो दौड़ लग जाएगी। यस शशांक, कुछ पूछना है? सर, एप्लीकेशन लेयर का आपने क्या यूज बताया? एप्लीकेशन सर्वर कुछ बताया था आपने, डीएचसीपी सर्वर के अलावा जो रखा हुआ था सीपीयू, सो उसका मैंने क्या काम? केवल जो टीसीपी लेयर जो थी ना उसमें केवल एप्लीकेशन हुआ करती थी, क्योंकि जब पहले हम इंटरनेट करते थे तो हमें जरूरत ही नहीं होती थी कि किसी को लॉगिन करके अपने अकाउंट में जाना है, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले जब टेलीफोन हुआ ना एक दूसरे से बात करते थे सिंपली, हम लोग डायरेक्टली वो कर पाते थे, लेकिन समय गुजरा तो नहीं, प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका अकाउंट हो वही खोले और बंद करे। तो फिर उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड कॉन्सेप्ट किया, जिसे हम लोगों ने प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया। और फाइनली जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी हुई, सेशन भी ज़्यादा देर तक ना खुला रहे, तो सेशन में इनबिल्ट कर दिया। अब इन दोनों लेयरों को और सिक्योर करने के लिए हम और भी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। तो जो टीसीपी लेयर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके अंदर केवल एप्लीकेशन हुआ करती थी, बाद में प्रेजेंटेशन और सेशन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है ना, और कुछ? यदि किसी और को कोई सवाल पूछने, चलिए ठीक है, फिर हम सैटरडे को मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, एंजॉय द सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।